Hello everyone, welcome to the lecture of DRCS. Today we will start further in a water tanks. In a last lecture we have started a new chapter. The name of chapter is the water tanks. So in this chapter we have already studied about the types of water tanks available. So today we will see further in this lecture. Okay. So our new topic is joints in a tanks. So there are various types of joints, may be categorized as below. So first one is the movement joint, second one is the construction joint, third one is the temporary open joints, right? So what is the movement joints? So these require the incorporation of a special materials in order to maintain a watertight nets while accommodating a relative movement between the side of the joints. All movement joints are essentially flexible joints. ठीक है, movement joints हम लोग क्यों provide करते हैं? So flexibility provide करे, flexibility दे, इसके लिए हम लोग movement joints provide करते हैं. So generally flexibility provide करने के लिए और तीन type के joints है. First है contraction joint, second है expansion joint and third है sliding joint. So what is contraction joint? So contraction joint is a typical movement joint which accommodate the contraction of a concrete. The joint may be either a complete contraction joint or a partial contraction joint. So basically contraction joint किसके लिए हम लोग provide करते हैं? तो contraction के जो contraction होता है, मतलब सर्दियों की season में contraction होता है और गर्मियों में expansion होता है, ये तो आपको पता ही होगा, right? तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको रिवेल करने के लिए कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट प्रोवाइड करते हैं. सो इन द केस ऑफ कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन बोथ कॉन्क्रीट एंड रेनफोर्सिंग स्टील आर इंटरप्रेटेड. सो फिगर नंबर 3.1A, मतलब कि ये जो फिगर है वो इंटरप्रेटेड कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट्स दिखा रही है. और सेकेंड है, बट इन केस ऑफ द पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट ओनली अ कॉन्क्रीट इज इंटरप्रेटेड. द रेनफोर्सिंग स्टील रनिंग थ्रू अ, मतलब कि रेनफोर्सिंग स्टील जो होता है वो पूरे में जाता है, बट इसमें क्या होता है कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट में ये जो स्टील है उसके अंदर उसको भी हम लोग कट करते हैं. ठीक है, जहाँ पे भी जॉइंट आता है वहाँ पे स्टील को भी कट करके प्रोवाइड करते हैं, मतलब कि डिसकंटिन्यूटी आ जाती है स्टील ये पूरे जॉइंट के अंदर. और ये जो पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट है उसमें क्या होता है स्टील कंटिन्यूस रहता है, सिर्फ उसमें बीच में जॉइंट प्रोवाइड करते हैं. तो बेसिकली ये जो जॉइंट होता है उसके अंदर हम लोग जॉइंट सीलिंग कंपाउंड प्रोवाइड करते हैं जो क्या करता है डिसकंटिन्यूटी इन ए कॉन्क्रीट बट नो इनिशियल गैप. ये जो कॉन्क्रीट होता है उसमें डिसकंटिन्यूटी आ जाती है बट उसके अंदर कोई गैप नहीं रहता है, क्योंकि हम लोग गैप फिल करने के लिए क्या यूज़ करते हैं सीलिंग कंपाउंड यूज़ करते हैं. ये सीलिंग कंपाउंड्स कौन से होते हैं वो आपको ऑलरेडी पता ही है, आप लोग ESD मतलब कि एलिमेंटरी स्ट्रक्चर डिज़ाइन में पढ़ के आए हो कि कौन से टाइप के हम लोग सीलिंग कंपाउंड यूज़ कर सकते हैं. ये जो सीलिंग कंपाउंड हम लोग यूज़ करेंगे वो वाटर टाइट होना चाहिए कि जिससे जो वाटर है वो बाहर ना आए. ठीक है, वाटर प्रूफ होना चाहिए. सो यहाँ पे जो होता है वो स्ट्रिप प्रोवाइड करते हैं हम लोग पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट के अंदर, जिसमें ये जो रेनफोर्समेंट जा रहे हैं वो पूरे रहते हैं, मतलब उसमें डिसकंटिन्यूटी नहीं आती है. सिर्फ डिसकंटिन्यूटी किस में आती है, RCC में आती है, मतलब कि कॉन्क्रीट में आती है और रेनफोर्समेंट फुल रहता है. दूसरा जॉइंट है एक्सपांशन जॉइंट. सो एक्सपांशन जॉइंट इज इंटेंडेड टू एकोमोडेट द आइडर एक्सपांशन और अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ स्ट्रक्चर वेर अ कम्प्लीट डिसकंटिन्यूटी इन अ बोथ कॉन्क्रीट एंड स्टील इज प्रोवाइडेड. यहाँ पे दोनों साइड से, मतलब कि स्टील एंड कॉन्क्रीट दोनों में डिसकंटिन्यूटी आ जाती है, वहाँ पे हम लोग एक्सपांशन जॉइंट यूज़ करते हैं. क्या एकोमोडेट करने के लिए? एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन दोनों को एकोमोडेट करने के लिए हम लोग एक्सपांशन जॉइंट यूज़ करते हैं. बेसिकली एक्सपांशन जॉइंट जो होता है वो 30 mm प्रोवाइड करते हैं. सो इनिशियल गैप ऑफ अबाउट 30 mm इज प्रोवाइडेड विद और विदाउट वाटर बैरियर्स एंड अ पोर्शन ऑफ अ जॉइंट इज फिल्ड अप विद द जॉइंट फिलर एंड वाटर बार. ठीक है, तो उसके अंदर हम लोग जॉइंट फिलर यूज़ करते हैं.
सो बेसिकली 30 mm थिक गैप रखते हैं यहाँ पे इनिशियल गैप, जिसके अंदर जॉइंट सीलिंग कंपाउंड भी प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे वाटर बार है। वाटर बार क्या करता है कि दोनों साइड, मतलब कि ये दोनों डिसकंटिन्यूटी है उस, वो दोनों को जॉइंट करते हैं वाटर बार्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है स्लाइडिंग जॉइंट्स। सो देर आर अ कंप्लीट डिसकंटिन्यूटी इन अ बोथ कॉन्क्रीट एंड रेनफोर्सिंग स्टील। द मेन फीचर्स आर रबर पैड्स विच फैसिलिटेट द रिलेटिव मूवमेंट इन अ प्लेस ऑफ द जॉइंट। The joint is sealed with a joint sealing compound and a strip painting is done. So this joint is provided between a wall and floor in a some cylindrical tank design. मतलब कि ये जो नीचे है ना वो base है और ये wall है, ठीक है। So ये दोनों के बीच में एक joint आता है। So ये joint किससे बनाते हैं हम लोग? Rubber pad से बनाते हैं। ये क्या करता है कि आपकी जो slab और ये जो slab और वो होता है, ये है स्लैब पोर्शन और ये है वॉल पोर्शन, तो उन दोनों के बीच में ये रबल रबल का फ्लोरिंग रखते हैं, जिससे रिलेटिव मोमेंट हो सकती है वही प्लेस में रह के। और ये जो है वो क्या है, स्ट्रिप पेंटिंग है, जिससे क्या होता है कि ये दोनों के बीच में बॉन्डिंग रहती है वॉल और ये उसके बीच में, और उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जॉइंट सीलिंग कंपाउंड फिलअप करते हैं, जिससे दोनों के बीच में बॉन्डिंग रहती है। सेकेंड थे कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स। सो कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स आर प्रोवाइडेड फॉर अ कन्वीनियंस इन अ कंस्ट्रक्शन। सब्सक्वेंशियली कंटिन्यूटी इज रिस्टोर्ड। अ टिपिकल एप्लीकेशन इज बिटवीन अ सक्सेसिव लीड्स इन अ रिजर्वायर वॉल एज शोन इन फिगर। इसमें क्या होता है, कंस्ट्रक्शन जॉइंट हम लोग क्यों प्रोवाइड करते हैं, तो कंटिन्यूटी रहे और कन्वीनियंस रहे कंस्ट्रक्शन में, उसके लिए कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स करते हैं। So the position and arrangement of the all construction joints should be predetermined by the engineer. So consideration should be given to limiting the number of such joints and keeping them free from a possibility of percolation in a similar manner to a construction joints. So ये जो construction joints जो होते हैं वो engineer decide करते हैं कि कहाँ कहाँ पर construction joints आएंगे, और जो कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं उसको हम लोग कैसे प्रोवाइड करेंगे कि जिसके अंदर से परक्यूलेशन ना हो, ठीक है। तो ऐसे हम लोग कंस्ट्रक्शन जॉइंट जनरेट करते हैं, जिसकी लोकेशन जो होती है वो प्री डिटरमाइंड होती है, ठीक है। और ये कंटिन्यूटी ऑफ द स्ट्रक्चर के लिए होता है। क्यों होता है? क्योंकि क्या होता है कि कुछ लिमिटेशन होती है एक दिन में कंस्ट्रक्ट करने की, राइट। जैसे कि अगर आप लोग 1 meter या 3 up to 3 meter वॉल कंस्ट्रक्ट कर सकते हो दिन में, उसके बाद वॉल कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर लोड ज़्यादा आ जाएगा तो भी प्रॉब्लम होगा, क्योंकि उसको सेटल होने में 24 hours चाहिए होते हैं। तो एक दिन में कुछ लिमिट्स होती है, वो लिमिट तक ही आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। तो जब आज का कंस्ट्रक्शन ख़त्म हुआ तो अब कल आके हम लोग कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे, तो कल का जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे तो वो दोनों के बीच में एक जॉइंट हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे कंस्ट्रक्शन जॉइंट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है टेम्पररी ओपन जॉइंट। सो टेम्पररी ओपन जॉइंट्स क्या है? सो अ गैप टेम्पररीली लेफ्ट बिटवीन द कॉन्क्रीट ऑफ अ एडजॉइनिंग पार्ट ऑफ अ स्ट्रक्चर विच आफ्टर अ सुटेबल इंटरवल एंड बिफोर द स्ट्रक्चर इज पुट इन टू अ यूज इज फिल्ड विद द मोर्टार और अ कॉन्क्रीट आइदर कम्प्लीटली और एज प्रोवाइडेड बिलो विद द इंक्लूजन ऑफ अ सुटेबल जॉइंटिंग मटीरियल। इन द फॉर्मर केस द विड्थ ऑफ द गैप शुड बी सफिशेंट टू अलाउ अ साइड्स टू बी प्रिपेयर बिफोर अ फिलिंग। सो दो टाइप के जॉइंट्स ये होते हैं टेम्पररी ओपन जॉइंट्स, कि ये जो जॉइंट्स होता है उसको हम लोग फिल कर देते हैं किससे, तो पहले से मोटर से या कुछ कोई भी मटेरियल से हम लोग उसको यूज़ करने से पहले फिलअप कर देते हैं, और दूसरा जो जॉइंट होता है उसको हम लोग भी फिलिंग करते हैं उसके पहले ही जॉइंट कर देते हैं, मतलब कंक्रीट का फिलिंग होता है उसके पहले जॉइंट करते हैं, ठीक है। सो उसको क्या बोलेंगे, टेम्पररी ओपन जॉइंट्स बोलेंगे। आप फिगर में भी देख सकते हो कि यहाँ पे देखो इनिशियल गैप प्रोवाइड किया है, ठीक है, इनिशियल गैप लेटर फिल विद द कॉन्क्रीट, और यहाँ पे क्या है कि
जॉइंट सीलिंग कंपाउंड प्रोवाइड किया है ये दोनों पोर्शन पे, ठीक है। उसके बाद हम लोग अब आगे देखेंगे डिज़ाइन कॉन्स्टेंट्स, मतलब कि हमें अगर वाटर टैंक की डिज़ाइन करनी है तो हमें क्या क्या पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। सो वाटर टैंक की डिज़ाइन के लिए हम लोग सिंगली रेनफोर्स्ड रेक्टेंगुलर सेक्शन लेंगे जिस अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। सो हम लोग देखेंगे डिज़ाइन कॉन्स्टेंट। सो आपको ये फिगर दिखाई दे रही है जिसमें ये है बी और ये है कैपिटल डी। स्मॉल डी किसको बोलते हैं हम लोग, ए एस टी मतलब कि एरिया ऑफ द स्टील जहाँ पे प्रोवाइड किया होता है वहाँ से टॉप पोर्शन का डिस्टेंस, उसको स्मॉल डी बोलेंगे। ये है एक्स यू, मतलब ये क्या है, न्यूट्रल एक्सिस है जिसको यहाँ पे बोलेंगे एक्स बैलेंस, ठीक है। और ये क्या है, स्ट्रेस डायग्राम। तो स्ट्रेस डायग्राम में ये क्या है, सिग्मा सी बी सी, और ये है ई एस सी और ई एस सी, ठीक है। ये है स्ट्रेन डायग्राम। सो बेसिकली ए एस टी क्या है, सो रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड इन अ बैलेंस सेक्शन, इसलिए उसको ए एस टी बैलेंस बोला है। सिग्मा सी बी सी क्या होता है, परमिसिबल स्ट्रेस इन अ कॉन्क्रीट इन अ बेंडिंग कंप्रेशन। सिग्मा एस टी क्या है, सो परमिसिबल स्ट्रेस इन अ स्टील इन अ टेंशन। एम क्या है, सो एम यहाँ पर है मॉड्यूलर रेशियो। एम का इक्वेशन है 280/3σcbc, जो ये जो इक्वेशन है वो हमें पेज नंबर 80 IS 456 में दिया है। एम का इक्वेशन, मॉड्यूलर रेशियो का इक्वेशन 280/3σcbc। जेड क्या है, तो जेड है लीवर आर्म। सो अब अगर हमें यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस फाइंड आउट करनी है वाटर टैंक के, सो सबसे पहले हम लोग एक्स बैलेंस का इक्वेशन देखेंगे। तो एक्स बैलेंस का इक्वेशन है एम इंटू सिग्मा सी बी सी अपॉन एम इंटू सिग्मा सी बी सी प्लस सिग्मा एस टी इंटू डी इज इक्वल टू के डी। सो अगर के न्यूट्रल एक्सिस कांस्टेंट होगा, सो के का इक्वेशन, सो यहाँ पे इक्वेशन क्या हो जाएगा, एम सिग्मा सी बी सी अपॉन एम सिग्मा सी बी सी प्लस सिग्मा एस टी, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे लीवर आर्म। अगर हमें लीवर आर्म फाइंड आउट करना है तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, Z इज इक्वल टू डी माइनस एक्स बैलेंस अपॉन 3, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा इक्वेशन हो जाएगा 1-K/3 इंटू डी इज इक्वल टू जे इंटू डी। तो जहाँ पे J क्या है, तो J है लीवर आर्म कॉन्स्टेंट। लीवर आर्म कॉन्स्टेंट का इक्वेशन है 1-K/3, तो इसलिए यहाँ पे J लिया है और यहाँ पे स्मॉल डी, मतलब कि हमारा Z का इक्वेशन हो जाएगा जे इंटू डी। उसके बाद है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। अगर हमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो कैपेसिटी ऑफ अ सेक्शन टू रेजिस्ट अ मोमेंट इज नोन एज द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। सो उसका इक्वेशन हो जाएगा टोटल कंप्रेसिव फोर्स इंटू अ लीवर आर्म। सो टोटल कंप्रेसिव फोर्स कितना हो जाएगा, सो 1/2 × σcbc इंटू बी इंटू एक्स बैलेंस इंटू लीवर आर्म है जे डी। अब यहाँ पे ए एस टी, अगर ए एस टी का इक्वेशन हमारे पास है एम अपॉन सिग्मा एस टी अपॉन जे इंटू डी, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा फाइनल इक्वेशन, एम इज इक्वल टू क्यू इंटू बी डी स्क्वायर, ठीक है। क्यू क्यू हो जाएगा क्योंकि क्यू का इक्वेशन क्या है, 1/2 × σcbc इंटू के जे। ये क्या है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फैक्टर फॉर अ बैलेंस सेक्शन। अब हमें पी टी बैलेंस, मतलब कि परसेंटेज ऑफ द स्टील इन अ बैलेंस सेक्शन फाइंड आउट करना है, तो उसका इक्वेशन होगा 100 × Q/σst 1-K/3। सो ये इक्वेशन है पी टी बैलेंस का। टेंसाइल स्ट्रेस, अगर टेंसाइल स्ट्रेस फाइंड आउट करनी है हमें रिटेन वाटर टैंक में, तो उसका इक्वेशन है एफ टी अपॉन ए जी प्लस एम माइनस 1 इंटू ए एस टी, ठीक है। जिसमें एफ टी क्या है, सो एफ टी है टोटल टेंशन ऑन अ मेंबर फॉर M30 कॉन्क्रीट एंड Fe415 स्टील, ठीक है। सो ये है टोटल टेंशन ऑन अ मेंबर। तो उसके लिए सिग्मा सी बी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 N/mm². सिग्मा एस टी क्या हो जाएगा, 130 N/mm². के की वैल्यू क्या है, 0.418, और जे की वैल्यू है 0.841, क्यू की वैल्यू हो रही है 1.795। तो ये जो सारी वैल्यू है वो हमें कहाँ से मिली, सो
ये इक्वेशंस कैसे मिली, तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एम का इक्वेशन है, ठीक है। एम का इक्वेशन है 280/3σcbc, ठीक है। यहाँ पे सिग्मा सी बी सी कितना दिया है, 10 N/mm². तो किसके लिए, एम 30 और Fe415 स्टील के लिए। ये सिग्मा सी बी सी की वैल्यू है 10 N/mm². सो एम का जो इक्वेशन है उसके अंदर हम लोग सिग्मा सी बी सी की वैल्यू पुट कर देंगे। सो हमें एम की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 9.33। कैसे, तो 280/3 × 10। 10 क्या है, सिग्मा सी बी सी, इसके लिए ये हमारी एम की वैल्यू मिल गई हमें 9.33। अब हम लोग के फाइंड आउट करेंगे। सो के लिए हमारे पास इक्वेशन था m(σcbc)/m(σac)/sg, ठीक है। ये इक्वेशन है के लिए। तो अब हमें हम ये जो के क्या है, सो के है हमारी न्यूट्रल एक्सिस कांस्टेंट। न्यूट्रल एक्सिस कांस्टेंट हम लोगों ने यहाँ पे आगे देखा था, देखो ये न्यूट्रल एक्सिस कांस्टेंट। सो न्यूट्रल एक्सिस कांस्टेंट वाले इक्वेशन में हम लोग एम और सिग्मा सी बी सी की वैल्यू पुट कर देंगे और सिग्मा एस टी की भी वैल्यू पुट कर देंगे। सिग्मा एस टी एम 30 Fe415 के लिए कितना होता है, तो 130 होता है। ये जो सारी वैल्यू है वो कोड के ऊपर से हम लोगों ने ली है, IS कोड के ऊपर से, ठीक है। सो एम 30 कॉन्क्रीट के लिए, Fe415 स्टील है, तो सिग्मा एस टी हमारा 130 है, सिग्मा सी बी सी हमारा है 10 N/mm², M हम लोगों ने फाइंड आउट किया 9.33, ठीक है। सो ये सारी वैल्यू हम लोग ये के इक्वेशन में पुट करेंगे। सो हमें क्या मिलेगा, न्यूट्रल एक्सिस कांस्टेंट, जिसको हम लोग K से डिनोट करते हैं। सो हमें K कितना मिला, 0.418। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे J। सो J का इक्वेशन क्या है, 1 K/3। ये इक्वेशन आप लोगों ने यहाँ पे आगे देखा था, ठीक है। ये वाले इक्वेशन पे से आपको मिला था कि जे इसको बोलते हैं लीवर आर्म कांस्टेंट, इसका इक्वेशन है 1 K/3। सो ये यहाँ पे वो इक्वेशन यूज़ करेंगे जिसमें की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट की है 0.418, वो पुट करेंगे बाय 3। सो इसको सॉल्व करेंगे कैल्सियम में, तो हमें मिल जाएगा 0.861। अब हमारे पास सारी वैल्यू है, सिग्मा सी बी सी है, के है, जे है। तो हमारे पास यहाँ पे एक इक्वेशन था क्यू का। क्यू क्या है क्यू, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फैक्टर फॉर अ बैलेंस सेक्शन, ठीक है। ये क्यू का इक्वेशन है। तो ये क्यू के इक्वेशन में जितनी भी वैल्यू चाहिए वो सारी वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी फाइंड आउट कर ली है। सो ये क्यू के इक्वेशन में हम लोग ये वैल्यू पुट करेंगे। सो 1/2 × σcbc × k × j। सो सिग्मा सी बी सी हमारा है 10, के हम लोगों ने फाइंड आउट किया था 0.418, जे हमारा है 0.861। तो ये सारी वैल्यू हम लोग इक्वेशन में पुट करेंगे और कैल्सियम में अगर सॉल्व करेंगे तो हमें मिल गई 1.795। सो हम लोग उसको अगर राउंड फिगर में करें तो हम लोग 1.80 बोल सकते हैं। सो हमें क्यू कितना मिला, 1.80। सो इसीलिए ये जो सारी वैल्यू है ये इक्वेशन पे से मिलती है। सो सेम ये सारे इक्वेशंस को यूज़ करके हमें डिज़ाइन करनी है वाटर टैंक की, ठीक है। वाटर टैंक के एग्जांपल्स जो होते हैं उसमें क्या क्या होता है, तो आपको बेसिकली लेंथ ऑफ द टैंक, डेप्थ ऑफ द वाटर टैंक, ये सब दिया होता है। उसके ऊपर से सबसे पहले आप लोगों को फ्री बॉर्ड किसको बोलते हैं, सो फ्री बॉर्ड इसको बोलते हैं हमारी जो पानी की सरफेस होती है, टॉप पोर्शन पानी की, वो पानी की सरफेस से लेके हमारा जो टॉप स्लैब है वो स्लैब तक का जो डिस्टेंस होता है, मतलब वो डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे फ्री बॉर्ड। वो मैं आपको एग्जांपल्स में भी सिखाऊंगी कि फ्री बॉर्ड कैसे अज्यूम करना होता है, टोटल हाइट ऑफ द टैंक किसको बोलते हैं। सो अगर आपको हाइट ऑफ द वाटर बताया है तो आपको हाइट ऑफ द टैंक कंसीडर करना पड़ेगा। कैसे, सो हाइट ऑफ द टैंक प्लस आपको हाइट ऑफ द फ्री बॉर्ड, ये जो फ्री बॉर्ड आपने लिया है उसको प्लस करोगे तो आपको टोटल हाइट ऑफ द टैंक मिलेगी। तो मतलब कि आपको ये जो डिज़ाइन कंस्ट्रेन आप स्टार्ट करो उसके पहले कुछ कुछ डेटा होते हैं जो डेटा आपको अज्यूम करने पड़ते हैं, या फिर आपको जो डेटा दिए हैं उसके ऊपर से आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि H क्या है, L क्या है, B क्या है। अगर आपको कोई कोई डेटा नहीं दिया है तो वो आपको अज्यूम करना पड़ेगा।
ठीक है, तो बेसिकली ये जो डिज़ाइन कंस्ट्रेंट्स मैंने आपको आज बताए हैं, वो डिज़ाइन कंस्ट्रेंट को यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, डिज़ाइन करेंगे। अब वाटर टैंक के टाइप्स कौन से होते हैं वो हम लोगों ने ऑलरेडी आगे के लेक्चर में पढ़ लिया है कि अंडरग्राउंड वाटर टैंक होता है, रेस्ट अंडरग्राउंड होता है और ओवरहेड वाटर टैंक होता है। ठीक है, ये जो तीन टाइप के वाटर टैंक्स हैं उसके अंदर भी अलग अलग शेप की वाटर टैंक्स होती है, जैसे कि रेक्टेंगुलर वाटर टैंक है, सर्कुलर वाटर टैंक है, इंटास टाइप की वाटर टैंक है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वाटर टैंक के लिए डिज़ाइन कंस्ट्रेंट्स अलग अलग होते हैं। सो हम लोग एक एक करके एग्जाम्पल्स करेंगे और सारे वाटर टैंक के डिज़ाइंस करेंगे। सो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग।